इसका साबुन सुला है, ये देखो मैं तो टच भी नहीं किया, क्या भाड़ू भाग रही है, मजा ही आ जाए एकदम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारे पास न्यू R15M नया वाला वेरिएंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आया है, मतलब कि फुल कलर TFT डिस्प्ले के साथ। सो इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं सुजुकी की जिक्सर 250 के साथ। और भाई साहब, ये जो बाइक है ना, इसका कंपैरिजन ऑलरेडी 250 सेगमेंट या 200 सेगमेंट के साथ किया जाता है, बिकॉज इसका टॉप एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम जैसे चलाने वाले हों तो भाई साहब 300 सीसी गाड़ियों के भी बगल में उसे लगा देते हैं। सो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज इसका कंपैरिजन जो है हम करेंगे जिक्सर 250 के साथ। टॉप एंड दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यही देखना है कि क्या ये नया वेरियंट जिक्सर 250 के करीब पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है। हालाँकि दोनों बाइक्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। हम ले चलते हैं आपको सबसे पहले जिक्सर 250 के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो जिक्सर 250 का कुछ ऐसा लुक है। तो गाइस, इन दोनों को कंपेयर करने का मेन रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहला रीजन कि दोनों का टॉप एंड सेम है, दूसरा इन दोनों का प्राइस अगर देखोगे तो ये हो चुकी 2,31,000 की, ये आती है अराउंड 2,13,000-14,000 ऐसे ही। आप वाह, बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती कभी कभी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट टायर इसका 110 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है और यहाँ 140 है। इतने सारे चेंजेस के बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो चेंज है, वहाँ पे नॉर्मल आपको TFT मिलता है, यहाँ कलरफुल TFT मिल जाता है। और तो और ये आपके ऊपर है कि आप 2,13,000 दे के 250 सीसी की बाइक से चलना चाहते हैं, इनिशियल का भी मज़ा लेना चाहते हैं, या आप इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद 2,31,000 देने के बाद सिर्फ इस कलर TFT का मज़ा लेना चाहते हैं, इनिशियल आपको मिलता नहीं है, टॉप एंड लेके मज़ा लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं भैया। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। अबे क्या भाग रही है भाई, भाई 2,13,000 में ये 10 times बेटर भाग रही है, बहुत सही चल रही है यार। देख रहे हैं गाइस कैसे निकल गई यार वो, अब स्लिप स्विमिंग करने का मौका तो हमें मिला नहीं, क्या ही जीतेंगे हम। गाया, ओ भाई रॉकेट है भाई, रॉकेट R15 तो दिख भी नहीं रही है, 150 पहुंच गई। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो लगता है कि पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है गाइस, कितने आराम से कितने प्यार से जीत जाती है ये, देख रहे हो बहुत ही प्यार से है, बहुत तेज भाग रही है। हाँ यार मैंने देखा तुम छूते ही निकल गए एकदम। CBR 250 को भी ये इनिशियल स्मोक कर सकती है। अच्छा मुझे लगा CBR 650 को स्मोक कर सकती है, 650 को मतलब पैदल हरा देता है, समझ रहे हो क्या बात है भाई। पावर है, पावर तो है भैया, ऐसे थोड़ी नाम है इसका जिक्सर है यार। हाँ अब इसका यहाँ पे देखो, यहाँ देखो कितना मस्त फाड़ू सा कलरफुल डिस्प्ले है, लेके बैठना इसी में घर पे टीवी लगा लेना। हाँ भाई खेलना मारियो, और क्या, इसीलिए तो लेंगे, मारियो का खर्चा बचेगा है, सोचो यहाँ मस्त देखो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलता है। चलो भैया देखते हैं इधर से, राइडर स्विच कर लिए भाई, चलो हाँ चलो, क्या ही फायदा राइडर स्विच करने से, मैं पहले निकल जा रहा हूँ, दो हॉर्न पे निकल जाऊंगा, तीसरे खुद बजा के आना। अबे भाई इसका साबुन सुला है, ये देखो मैं तो टच भी नहीं किया, क्या भाड़ू भाग रही है, मजा ही आ जाए एकदम। अबे खिलवाड़ हो रहा है यहाँ तो। अबे यार R15 के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, R15 बोलेगी माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। भाई वो रॉकेट की तरह गई थी एकदम, गजब भाई गजब, ओम छो कितना जा रही है टॉप एंड में,
चलो देख ही लेते हैं। 150 तो पहुंचना ही है यार। वाह मैन इतना आसानी से 151 152 153। भाई यार जिक्सर से प्यार हो गया भाई, बहुत अंडररेटेड है यार कसम से। चलो लिमिटर हिट किया गाइस, इसका लिमिटर हिट किया 153 पे, समझ रहे हो। ये आ गए भाई साहब, एक बार ये गाड़ी लेना भाई। 153 बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के पहुंच गई वो भाई, वो 150 से पहले एकदम। हाँ और यहाँ पे इतना खींचो एकदम, जान निकल गई, कैप फेफड़े बाहर आ गए, गाड़ी के तो आते ही आते अपने भी फेफड़े बाहर आ जाते हैं के सीने पे लगता है आगे तब है। उसके बाद भागती है यार, कोई क्यों ले रहा है इसे पता नहीं यार, यार ये तो भाई यार इसको तो यार, सस्ते में आपको बढ़िया चीज मिल रही है। लग रहा था क्लोज। हाँ यार टायर वायर भी मतलब ज्यादा वाइड मिल रहे हैं आपको, क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी मिल रही है, और सुजुकी तो हायाबुसा बनाती ही है यार। तो बाकी आप लोग देख लो आप पैसा कहाँ फंसाना चाहते हो, मतलब फंसा रहे हो R15 में फंसा देना, बढ़िया गाड़ी है यार, ठीक है, समझदार कोई चारा काफी है यार। वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है जो किसी से हारती नहीं है। बाकी ठीक है यार, वीडियो खत्म करते हैं, लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो सब कुछ कर दो जो जो किया जाता है। बाय।